हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष निकुमर। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बैक बेंचर्स ऑफ स्टॉक्स। चलिए शुरुआत करेंगे आज के वीडियो को। जो भी कल हम लोगों ने लेवल्स डिस्कस किए थे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के, उसके एनालिसिस के साथ में शुरुआत करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के साथ। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अगर से इस ट्रेंड लाइन को हम लोगों को ब्रेकआउट मिल जाता है तो एक अच्छा यू टर्न जो है वो मार्केट में देखने को मिल जाएगा। साथ ही कल मैंने आप लोगों को डेली बेसिस पे यहाँ पे एक सपोर्ट जो है वो दिखाया था। अब ऑब्वियस सी चीज़, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता था तो यहाँ से एक सपोर्ट क्रिएट करके मार्केट में एक बाउंस बैक यानी कि यू टर्न का स्कोप जो है वो हम लोग को यहाँ पे मिल जाता था, जो कि कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब जबकि हम लोगों को प्राइस इसके नीचे मिला है, सो ऑब्वियस सी चीज़ें सेम लेवल यहाँ पे हमारे जो कि सपोर्ट का काम करने वाली थी, यही सपोर्ट हम लोग के लिए यहाँ पे भी रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। बस यही रीजन था, मैंने यहाँ पे जो ओपनिंग प्राइस है इस पे पीई बाय करवाई थी मार्केट में, एंड देन निफ्टी की भी पीई आप लोग के साथ में मैंने शेयर की थी। बहुत ही स्ट्रेट फॉल हम लोग को यहाँ पे मार्केट में देखने को मिला था। बैंक निफ्टी की पीई में भी बहुत बेहतरीन प्रॉफिट आज के दिन में हम लोग को देखने को मिला है, साथ ही निफ्टी के पीई में भी जो मैंने आप लोग के साथ में टेलीग्राम पर शेयर किया था उसमें बहुत बेहतरीन प्रॉफिट आज के दिन में हम लोग को देखने को मिला है। अगर से बात करेंगे जो भी तीन ब्रेकआउट स्टॉक्स मैं आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ उसके परफॉर्मेंस के साथ में, तो उसमें से पहली स्टॉक हम लोगों ने डिस्कस की थी HDFC बैंक की, जिसने पिन पॉइंट यहां से पहली 5 मिनट की कैंडल ने थोड़ा सा ग्रीन दिखा करके अपसाइड में मूव करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारी मैजिकल लेवल को रेजिस्टेंस फेस किया एंड यहां से एक शार्प फॉल हम लोग को इस स्टॉक में देखने को मिला। HDFC बैंक की पीई में हम लोग को बहुत बेहतरीन प्रॉफिट आज के दिन में यहां पे देखने को मिल रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा आज के दिन का हमारा दूसरा ब्रेकआउट स्टॉक था, जहां पे यहां से इसने एक रिजेक्शन लिया था। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे काम करते हैं, सिर्फ प्राइस के बेसिस पे नहीं, जो कि हम लोग को यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला था ट्रेंड लाइन के नीचे एंड हमारे मैजिकल लेवल के नीचे, एंड यहाँ से एक शार्प फॉल भी हम लोग को इस स्टॉक में देखने को मिला। सो पी में स्टॉक में बहुत बेहतरीन प्रॉफिट आज के दिन में हम लोग को देखने को मिला है। जो आज के दिन की तीसरी ब्रेकआउट स्टॉक हम लोगों ने डिस्कस की थी वो थी एस्कॉर्ट्स की, जिसने यहाँ पे पिन लगाए थे, देन अपसाइड में जाने के बाद में हम लोग को सी साइड में एक लेवल 1 का टारगेट देखने को मिला, एंड अगेन यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट एंड हमारा मैजिकल लेवल के बेसिस पे कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे बहुत बेहतरीन ट्रेड बना था, जो कि हम लोग को टारगेट 2 तक का टारगेट यहाँ पे देकर के गया। सो यहाँ पे भी हम लोगों को पी साइड में बहुत बेहतरीन प्रॉफिट जो है देखने को मिल रहा है। यानी कि गाइस 383 एपिसोड्स तक जो भी 99% की एक्यूरेसी में क्लेम करता हूँ आप लोगों के साथ में अपने हर यूट्यूब के वीडियो में, अपने हर यूट्यूब के थंबनेल पे, वो आज भी बरकरार है। कोशिश रहेगी इसे ऐसे ही मेंटेन करने की। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक देकर के रखा हुआ है, जहां पे आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए जरूर फॉलो करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइज, अगर वीडियो को अभी तक लाइक और कमेंट नहीं किया आप लोगों ने तो जरूर कर दे। और एक चीज गाइज, अगर से आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट में पाना चाहते हैं, अगर से आप लोगों ने नहीं देखी है मेरी एक्यूरेसी, तो एक बार YouTube को स्क्रॉल करके देख लीजिए और Telegram को भी स्क्रॉल करके देख लीजिए। मेरी प्लैटिनम प्रीमियम सर्विसेज जो कि स्पेशलाइज्ड है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शंस पे, इसे आप लोग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वो पा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अकाउंट ओपनिंग का। आप लोग को एक नया डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन करना होगा मेरे दिए गए लिंक थ्रू, और आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय कर सकते हैं। प्रॉपर टारगेट, स्टॉप लॉस, सारी चीज़ें मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों के साथ में जो है वो शेयर करते रहता हूँ। एक्यूरेसी आप लोग मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे भी जाकर के चेक करते हैं। ये सर्विस आप लोग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली चीज़ है गाइज, आप लोग को सेम अकाउंट पे ट्रेड करना होगा। बाकी लोगों की तरह 1 महीना प्रीमियम सर्विस फ्री, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, ऐसा कोई भी कैपिंग लगा करके हम लोगों ने नहीं रखा हुआ है। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइफ टाइम के लिए। कंडीशन सिर्फ एक है, ऑब्वियसली आप लोग को सेम अकाउंट पे ही ट्रेड करना होगा। बहुत सारे गाइस लोगों के साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि 2000 5000 का प्रीमियम जो है या फिर फंड्स के साथ में वो ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। सो मेरे साथ में, मैं ट्रेड करता हूँ एट द मनी स्ट्राइक प्राइजेस पे और इन द मनी स्ट्राइक प्राइजेस पे। सो बिफोर अकाउंट ओपन कर ले आप मेरे लिंक थ्रू, उससे पहले आप लोग को एक चीज़ समझनी होगी कि मेरी कोई भी प्रीमियम सर्विसेज जो है, चाहे वो पेड हो चाहे वो जो आप लोगों को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, किसी को भी ज्वाइन करने से पहले मिनिमम 15,000 रुपीज़ का कैपिंग है। 15,000 रुपये के ऊपर ही आप लोगों का कैपिटल होना चाहिए। 15,000 के नीचे अगर है तो मैं अपनी प्रीमियम सर्विसेज जो है वो नहीं ऑफर करता हूँ, क्योंकि मैं एट द मनी और इन द मनी पे मोस्टली जो है वो ट्रेड कराता हूँ। सो बस एक छोटा सा लॉजिक है, जो भी एग्री करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरे प्रीमियम सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहता है, लिंक जो है मास्टर ट्रस्ट कैपिटल का और एलाइज ब्लू का, दोनों का अकाउंट ओपनिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे करके रखा हुआ है। फटाफट से अकाउंट जो है वो ओपन कर लीजिए और टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे टीम को मैसेज कीजिए, वो लोग आप लोगों को जो है यहाँ पे ग्रुप में जो है हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है वहाँ पे ऐड कर देंगे।
कल के दिन की पहली ब्रेकआउट स्टॉक रहेगी एसआरएफ क्वी, जिसमें एंड ऑफ द डे बहुत बेहतरीन वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हुआ है, लेकिन स्टॉक में कोई भी मूव हम लोग को देखने को नहीं मिला है। यानी कि आइदर किसी भी साइड में इस स्टॉक में जो ब्रेकआउट मिलेगा, एक अच्छा ट्रेंड इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। 2283 के ऊपर स्टॉक बुलिश रहेगा, 2294, 2310 और 2335 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 2270 स्टॉप लॉस रहेगा। इनकेस अगर अपसाइड में नहीं जाता है, यहाँ से डाउन साइड में ब्रेकडाउन मिलता है, तो 2270 के नीचे स्टॉक बेयरिश रहेगा, 2258, 2246 और 2233 यहां पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 2283 यहां पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जो दूसरा ब्रेकआउट स्टॉक कल के दिन के लिए हम लोगों ने सिलेक्ट किया है दोस्तों, वो रहेगा एशियन पेंट्स का। इस स्टॉक में भी एंड ऑफ द डे एक बहुत बेहतरीन वॉल्यूम हम लोग को देखने को मिला है, साथ ही यहां से इस स्टॉक में एक प्राइस एक्शन का ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। अगर से यहां से रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिलता है तो 2800 के ऊपर स्टॉक बुलिश रहेगा, 2811, 2827 और 2844 यहां पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 2790 स्टॉप लॉस रहेगा। इन केस अगर अपसाइड नहीं जाता है तो 2790 के नीचे स्टॉक बेयरिश रहेगा, 2780, 2767, 2753 यहां पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 2800 हमारे यहां पे स्टॉप लॉस रहेगा। और जो कल के दिन का तीसरा और आखिरी ब्रेकआउट स्टॉक हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे, वो रहेगा दीपक नाइट्रेट का। इस स्टॉक में भी एंड ऑफ द डे एक अच्छा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, लेकिन स्टॉक में कोई मूव देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि आइदर किसी भी साइड में अच्छा ट्रेंड देखने को मिलेगा। 1800 के ऊपर स्टॉक बुलिश रहेगा, 1808, 1821, 1838 यहां पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 1790 स्टॉप लॉस रहेगा। इन केस अगर अपसाइड नहीं जाता है तो 1790 के नीचे स्टॉक बेयरिश रहेगा, 1783, 1773, 1753 यहां पे 58 यहां पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 1800 यहां पे स्टॉप लॉस रहेगा। तो दोस्तों, जब भी आप लोग मेरे लेवल्स के साथ में ट्रेड करते हैं तो कुछ चीज़ें जो है वो आप लोगों को समझ के लेनी है। जैसे कि उसमें से पहले चीज़ ये है कि अगर से ये हम लोगों का बाय अबोव का लेवल है तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। जब अगली कैंडल जो है वो इसका हाई ब्रेक करेगी तो तब हम लोग यहाँ पे अपनी एंट्री जो है वो मैनुअली ले लेंगे, ना कि ऐसे लेवल्स पे हम लोग अपने ऑर्डर्स को या फिर इन नंबर्स पे हम लोग अपने ऑर्डर्स को जो है वो पहले से लगा करके रखेंगे। क्योंकि मैजिकल लेवल्स के साथ में प्राइस एक्शन का सेटअप होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ में अगर ये हम लोगों का अगर स्टॉप लॉस का लेवल है तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल हमारे लेवल्स के नीचे क्लोज होनी चाहिए। जब अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी तो मैनुअली हम लोग अपने ऑर्डर्स को जो है वो ट्रिगर करने वाले हैं। साथ में दोस्तों, जो भी 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सारे के सारे स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड स्टॉक्स है। इसका मतलब ये है कि आप लोग इनके फ्यूचर्स को या फिर इनके ऑप्शंस को अपने रडार पे रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग इनके फ्यूचर्स और इनके ऑप्शंस को भी अपने रडार पे रख सकते हैं। अगर आप लोग ऑप्शंस को सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ पे आप लोग को ध्यान देना है कि जो भी स्ट्राइक प्राइस आप लोग सिलेक्ट करोगे वो या तो इन द मनी होनी चाहिए या तो एट द मनी होनी चाहिए, क्योंकि आउट द मनी पे ट्रेड करने के सेटअप्स और लॉजिक जो होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, उसका डेल्टा भी बहुत कम होता है। सो बीइंग बिगिनर आप लोग को ये गलती जो है वो नहीं करनी चाहिए। साथ में जो भी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सारे के सारे फ्यूचर के चार्ट पे डिस्कस करते हैं। फ्यूचर पे क्यों डिस्कस करते हैं, इसका मेन मीनिंग यही है, इसका रीजन मेन यही है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा रहेगा, मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को वॉल्यूम दिखाते रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी पे ब्रेकआउट ट्रेड्स करें तो आप लोग वॉल्यूम का जरूर ध्यान रखें कि जब ब्रेकआउट हो रहा है तब वॉल्यूम है कि नहीं है उसमें। और साथ में दोस्तों, जो भी आप लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिवली कंपेयर टू स्पॉट फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली चलते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे आपके ट्रेडिंग में जो है इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो होने वाली है। साथ में जो भी लेवल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, अगर आप लोग इन्हें लिख करके रख रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है गाइज। इसे आप लोग को लिख करके नहीं रखना है, अपने चार्ट्स पे इन्हें ऐड कर देना है ताकि लाइव मार्केट आज में जब कभी भी प्राइस एक्शन का सेटअप हम लोग के मैजिकल लेवल्स के साथ में बने तो प्राइस एक्शन को कैच करने में आप लोगों को ज्यादा दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर से बात करेंगे कल के दिन के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मेरे प्रेडिक्शन के बारे में, तो यहाँ पे आप लोग को क्लियरली एक सपोर्ट जो है वो दिखाई दे रहा है। पहले तो यहाँ से एक बॉटम क्रिएट किया था एंड यहाँ से और एक बॉटम क्रिएट हो जाएगा। इस टाइप का प्रेडिक्शन मार्केट में बहुत सारे लोग जो है वो लगाने वाले हैं, स्पेशली जो हमारे रिटेल ट्रेडर्स है वो।
तो अगर से बात करेंगे कल के दिन में मार्केट में, वैसे भी एक्सपायरी है तो मार्केट क्या कर सकता है इसके बारे में, सबसे पहली चीज़ तो ये रहेगी कि कल अगर मार्केट में हल्का सा गैप अप ओपनिंग आ जाता है हम लोगों को, तो लोगों ने यहाँ पर डबल बॉटम का पैटर्न जो है उसे ज़रूर देखा है, लेकिन लोगों ने इस रेजिस्टेंस पे गौर नहीं किया है जिसे मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाके ब्रेकडाउन दिया है। ब्रेकडाउन के बाद में एक रीटेस्ट मार्केट कल के दिन में कर सकता है और देन हम लोग को यहाँ पर डाउनफॉल मार्केट में देखने को मिल सकता है। इसको ब्रेकआउट दिया तो बात अलग हो जाएगी, हम लोग को मार्केट में यू टर्न देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कल आपको दिखाएगा कि मार्केट अपसाइड में जाने वाला है लेकिन रेजिस्टेंस फेस करके उसके बाद में जो हमारा सेकेंड हाफ होता है इसमें हम लोग को मार्केट में स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के चांसेस हैं, आई मीन स्ट्रॉन्ग फॉल के चांसेस जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे। अगर से यहाँ पे बात करेंगे तो निफ्टी के बारे में, तो 17,600 के ऊपर निफ्टी का फ्यूचर बुलिश रहेगा। 17,643, 17,702, 17,771 और 17,837 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो 17,530 के नीचे निफ्टी का फ्यूचर वीक रहेगा। 17,485, 17,422, 17,378 और 17,322 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे। अगर से बात करेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के बारे में, तो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में भी आप लोग को क्लियरली यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत सारे लोग यहाँ से प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट अब नीचे नहीं जा सकता है। लेकिन मार्केट में कल कम से कम एक 200 से 250 पॉइंट का बैंक निफ्टी में हम लोगों को यहाँ से एक पुल बैक दिखाई देगा एंड देन यहाँ पे एक रिजेक्शन के बाद में मार्केट में यहाँ से हम लोग को डाउनफॉल जो है कल के दिन में देखने को मिलेगा, जो कि हो सकता है कल के दिन की हमारी जो पी साइड की ट्रेड है वो हीरो जीरो के लिए जैकपॉट ट्रेड बन जाए। 40,270 के ऊपर बैंक निफ्टी के फ्यूचर बुलिश हो जाएगा। 40,379, 40,509, 40,636 और 40,816 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो 40,147 के नीचे ये वीक रहेगा। 39,871, 39,723 और 39,601 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स कल के दिन के प्रेडिक्शन के साथ में, साथ ही हम लोगों ने डिस्कशन किया है कल के दिन के मेरे बेहतरीन तीनों ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो ऐसे लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दे करके रखा हुआ है, जहां पे आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए ज़रूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।